आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। बिहार में घातक कोरोना वायरस के साथ साथ बाढ़ का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे राज्य के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में बाढ़ से कई गांव डूब गए हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। घर डूबे होने के कारण पीड़ित लोग सड़क पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं कई बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद के लिए दिगरा युवा समिति के कार्यकर्ता आगे आए हैं। दिगरा गांव के युवाओं ने एक समूह बनाकर इस कठिन समय में बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, जिससे स्थानीय लोग खूब सराहना कर रहे हैं। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों का बुरा हाल है। ऐसे में दिगरा युवा समिति के कार्यकर्ता ने जरूरतमंदों की मदद की। इन युवा कार्यकर्ताओं के समूह ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दवाइयाँ, भोजन और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई की रख रखाव में भी इनकी मदद की है। समस्तीपुर जिला अंतर्गत दिगरा ग्राम के सभी यूथों ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किया है, जिसका नाम दिगरा यूथ है, जिसका उद्देश्य हर जरूरतमंदों की सहायता करना, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो या सूखा पीड़ित हो। इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई और गरीब कन्याओं का शादी कराना है। इसी लक्ष्य को प्राप्ति हेतु आज हमने जटमलपुर और लक्षरामपुर गाँव में 53 फूड पैकेट्स और मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये समस्तीपुर जिला अभी बाढ़ का बहुत बड़ा प्रकोप झेल रहा है, इसलिए हमारा ग्रुप का जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है कि जब तक हम लोग यहाँ साथ हैं, तब तक समस्तीपुर का एक भी निवासी खाली पेट नहीं सोना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई और आगे